मंसूर बाबा बुल्ले शाह के मजार से निकलने वाली रैली रावलपिंडी में बेनजीर भुट्टो की जाय शहादत पहुंच गई है। रैली के शुरका की सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से मुलाकात भी मुतवक्के है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा न्यूज़ वन गुलाम मुस्तफा भट्टी से। गुलाम मुस्तफा भट्टी बताइए। आज बिल्कुल 14 अगस्त जश्न आजादी के हवाले से बाबा बुल्ले शाह कसूर से चलने वाली सैकड़ रैली जो है वो आज 6 दिन के बाद रावलपिंडी लियाकतबाग जाय शहादत के मुकाम पर पहुंची है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो पीपल्स विंग के जनरल सेक्रेटरी है पंजाब के, उनसे बात करते हैं। अच्छा सर, कैसा ख्याल आया आपको कि जश्न आजादी के मौके पर साइकिल रैली निकाली जाए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, हमारे जो मुल्क के भाई थे कैद आदम मोहम्मद अली जना, उनका भी ये लकब था कि हमारे जो नौजवान है वो रीढ़ की हड्डी है। तो उस बात को मद्देनजर रखते हुए पीपल्स स्पोर्ट्स विंग सेंट्रल पंजाब ने ये सोचा कि हम क्यों, चूंकि आसिफ अली जरदारी साहब सदर बने हैं, हमने सोचा कि हम उसे मुबारकबाद देने के लिए एक स्पोर्ट्स साइकिल रैली का इनकार करें और जो है वो जश्न आजादी के मौका पर हमने साइकिल रैली का इंतजाम किया है। और ये जो साइकिल रैली है ये कसूर से दरबार बाबा बुल्ले शाह कसूर से 7 अगस्त को रवाना हुई है और अपना मुख्तरफ मरला कंप्लीट करते हुए आज अपना 6वां मरला कंप्लीट करके मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जाय शहादत पर पहुंची है। रैली की जो सरपरस्ती है वो चौधरी मंजूर अहमद सीनियर रहमान साहब का MLA कर रहे हैं और जो मुख्तरफ रैली में जो थलीट शामिल है वो साइकिलिस्ट शामिल है वो 8 है, साथ उसके जो है 3 फीसल है, ये 11 रुकनी टीम है। ये मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की टीम है। हम पाकिस्तान का जो कौमी दिन है, जो जश्न आजादी का दिन है, उसको हम शान और शान तरीके से, देखिए हर जो कोई खिलाड़ी है या जो कोई भी बंदा है कोई तंजीम है वो आपको अपने फन से इसको जो है ना 14 अगस्त को मनाती है। हम चूंकि साइकिलिस्ट है, हमें मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने पंजाब की सदारत दी है, जनरल सेक्रेटरीशिप दी है, तो उस सिलसिले में हम इसको मद्देनजर रखते हुए इसको जागर करते हुए, क्योंकि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का ये विजन था कि ये जो नौजवान खिलाड़ी है ये मेरा सरमाया है, मेरे मुल्क का सरमाया है। शुक्रिया गुलाम मुस्तफा भट्टी, आपने आगाह किया।